नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। राजधानी पटना में क्लास वन में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्कूल में एनजीओ की तरफ उनमें उनका कहना है कि उन्होंने एक दिया है कि वो गलत ढंग से मतलब अभद्र सील हरण का नहीं कर सकते हैं, अभद्रता का मतलब उन्होंने बात बताई है बच्ची ने अपनी माँ को। उनका कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ है, FIR लॉज हुआ है, अनुसंधान किया जा रहा है। लखीसराय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्यूल GRP ने क्यूल स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान दुर्गा राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस से स्लीपर बोगी से 8 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं रेल DSP सियाराम गुप्ता ने बताया कि गांजा की खेप को टाटा से पटना लाया जा रहा था। सूचना मिली कि साउथ बिहार अप में गांजा का अवैध गांजा का परिवहन हो रहा है S2 बोगी में। तो हम लोगों ने उसी तरह से जो है अपने पुलिसकर्मी लोगों को जो है खुफिया अपना जो सूत्र है उसके साथ जो है कितना गांजा बरामद हुआ सर? 8 KG है, 8 KG गांजा है और सेलो टेप से बंधा हुआ है। तस्कर भी हैं क्या? हाँ, तस्कर हैं। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र के गंगासराय हाल्ट के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बढ़िया पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोखर पुल लाइन का पार है, पोखर है, उसी पोखर पर मिला है। गोर हाथ बांधे था और इतना जो था ही मुड़ी नहीं था, उड़ गया था, कुछ गुद्दा उद्दा सब उड़ गया था, पहचान नहीं हो पाया। पहचान गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के मलचौर बाजार में कपड़ा सुखाने को लेकर हुए मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पीड़ित महिला ने थाने में एप्लीकेशन देकर न्याय की गुहार लगाई। अपन जमीन बा, लड़की भी कपड़ा फसा तो एक महीना का लड़का गोदी में वही खातिर मारपीट कर किनार में के मारपीट कर धर्मेंद्र और धर्मेंद्र के भौजाई लड़कनी एगो बिया एगो बूढ़ बिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 11। नमस्कार। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।